भाइयों और बहनों, अभी हमारे आने से पहले नारे लग रहे थे लाल सलाम के, और लोग कह रहे थे नीला भी रंग होना चाहिए। मैं यहीं से शुरू करूं बात कि इंद्रधनुष को अगर आप देखेंगे, प्रकृति में सिर्फ 7 रंग है, बाकी सब रंग मिलावे मिले जुले रंग है। और इन 7 रंगों में से एक कोने में नीला होता है, एक कोने में लाल होता है, और हम दोनों के बीच में पूरा प्रकृति है। विप जी, और की बात करते हो आप जो 7 रंग है, सो वायलेट इंडिगो ब्लू ये एक कोने में है और दूसरे कोने में लाल है। अगर चाहें तो लाल और नीला पूरा दुनिया को, पूरा प्रकृति को, पूरा भंडार को अपने बीच में समेट सकता है, और वही चाहिए कि इन दोनों के बीच में एकता। भगवा जो होता है वो मिलीजुली रंग है, वो एक प्राकृतिक रंग नहीं है। और वो मिलीजुली रंग किस तरीके से नुकसान पैदा करता है, वही मेरे उद्देश्य से चर्चा है आज के दिन। और इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आपकी बड़ी खुशी की बात है कि रिपब्लिकन परिवार के तरफ से सभी गुटों की, प्रोफेसर मेश्राम बता रहे थे हमें कि सभी गुटों की पार्टियां जरूर नहीं है बेशक, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए हैं सब लोग हैं यहाँ पे, और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अपने बीच में जो अनेकता होती है उसका फ़ायदा किसी और को होता है। और वो जो है, जो उद्देश्य आपके हैं हमारे हैं, उन दोनों उद्देश्यों को हासिल करने से वो सबसे बड़ी रुकावट बन जाती। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं आने वाले दिनों में ये रिपब्लिकन परिवार और इस लाल झंडे का मतलब, ये अपनी देश की जो परंपरा लगी है, जो विरासत है अपनी, उसको बचाते हुए एक बेहतर भारत का निर्माण हो, जो बेहतर भारत का निर्माण बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे संविधान की रचना करते हुए जो उन्होंने जो सोचा, जो उनका जो एक व्यू था, एक समझ था, वो हमारा मानना है और उनका भी मानना वही था जिस समय वो संविधान का मसौदा पेश कर रहे थे मान्यता के लिए। और उस भाषण का मैं चाहूँगा कि हम लोगों को सबको वो खंडित होना चाहिए। आखिरी बात उन्होंने जो कही वो भाषण करते हुए, वो पेश कर रहे थे मसौदा इस संविधान का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कि, और ये आग्रह कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस संविधान को आमोदन दें, और वो था कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में 25 नवंबर 1949 में। वो जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पेश कर रहे थे, उन्होंने आखिर में कहा, अंग्रेजी में बोल रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो अंग्रेजी में उन्होंने, लेकिन वो उसकी सारांश जो है उसको मैं याद करने की कोशिश करूँगा आपके सामने। उन्होंने पूरा भाषण देकर संविधान को पेश किया, और इसके बाद आखिर में उन्होंने एक बात कही जो हम समझते हैं कि आज भी इसकी अहमियत है, सिर्फ नीले रंग के लिए नहीं, लाल रंग के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए और अपने भारत के लिए आज भी उसकी प्रासंगिकता है। और उन्होंने यही कहा कि इस संविधान में हमने ऐसा राजनीतिक ढांचा बनाया जहाँ पर हर इंसान को राजनीतिक तौर पर एक वोट दिया, और हर वोट को संवैधानिक आधार पर एक मूल्य दिया, यानी वन मैन वन वोट वन वैल्यू। फिर उन्होंने कहा, लेकिन हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए आज तक हम एक व्यक्ति को का एक मूल्य हम नहीं दे पाए। एक व्यक्ति को एक वोट दिया ज़रूर, और उस वोट का मूल्य एक है ज़रूर, लेकिन एक व्यक्ति का मूल्य हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक पैमाने पर एक नहीं है। और जब तक हर इंसान का मूल्य एक नहीं होता है अपने भारत में, तब तक ये संविधान का ढांचा मजबूत नहीं हो सकता। अगर हम ये अंतर्विरोध जो हमारे समाज में है, उस अंतर्विरोध को जल्द से जल्द हम उस अंतर्विरोध को मिटा नहीं सकेंगे, तो ये राजनीतिक ढांचा भी हमने जो बनाया वो भी स्थिरता के आधार पर वो भी नहीं टिक सकती। ये चेतावनी थी हमें, यानी हर इंसान का एक मूल्य हो भारत के अंदर,
आज़ाद भारत के अंदर हर इंसान का मूल्य एक हो। राजनीतिक तौर पर ज़रूर हमने एक वोट दिया और हर वोट का एक मूल्य है। टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, उन सब का वोट का उतना ही मूल्य है जो आपका है, मेरा है। लेकिन समाज में उनके तुलना से आपका और हमारा मूल्य नहीं है। और ये जो आर्थिक और सामाजिक अंतर्विरोध है, इसको मिटाना सबसे बड़ा जिम्मेदारी है आज़ाद हिंदुस्तान का या आज़ाद भारत का। ये कहते हुए उन्होंने संविधान पेश किया। 60 साल हो गए, उसे भी ज़्यादा। आज तक ये अंतर्विरोध हम नहीं मिटा पाए, और ये जब तक नहीं मिटेगा, इस तरह के की जो खतरे हैं वो बढ़ते जाएंगे हमारे सामने, और उसको मिटाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना ज़रूरी है। और इसलिए हम कह रहे थे कि नील और लाल के बीच में जो प्रकृति के सभी रंग जो है, वो जो हैं, उन सबको समेटने का काम आपको भी करना है, हमें भी करना है, हम दोनों को मिलकर करना है। तो इसलिए हमारी अपील यही है कि आज अगर बाबा साहब की सपनों के आधार पर, उनके व्यूह के आधार पर अगर अपने भारत को बनाना है, तो आज इस अंतर्विरोध का समाधान देना ज़रूरी है कि एक इंसान को एक मूल्य दिलाने वाली व्यवस्था का स्थापना करना ज़रूरी है। ये है अपनी लड़ाई। अब इस लड़ाई में ये भगवाकरण के ये आप या ये सांप्रदायिकता, भगवा संघीकरण जो आपका जो शब्द आपने जो सवाल किया, इसका ये कहाँ पे फिट होता है, मतलब इस नक्शे में, और इसको समझना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आज के दिन अचानक अपने देश के अंदर राम भक्त बहुत ज़्यादा पैदा हो गए, या अचानक हमारे देश के अंदर धर्म के साथ जुड़ाव जो है लोगों का ज़्यादा हो गया, और इस वजह से ये सरकार अब सत्ता में है दिल्ली में। वो नहीं असली कारण। ये आज जो ये संघर्ष जो चल रहा है, एक विचारधारात्मक संघर्ष। इस संघर्ष का जड़ अगर हमें समझना होगा, वरना आज के इस संघर्ष को भी हम नहीं समझ पाते। और वो जड़ क्या है कि अपने देश की आज़ादी के आंदोलन में जब जन प्रवाह उतरना शुरू हो गया, एक जन आंदोलन का रूप लेना शुरू हो गया, तो उस समय कई विचार सामने आए कि आज़ादी के बाद अपने भारत का नक्शा क्या होना चाहिए। और उसके अंदर तीन मुख्य धाराएं थे। एक धारा था उस समय आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी दे रही थी, उस कांग्रेस पार्टी का एक व्यूह था, समझ थी, जो आज भी है, कि भारत आज़ादी के बाद एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र बनेगा, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसके विपरीत एक और व्यूह उभर कर आया उसी दरमियान, जो ये था कि आज़ादी के बाद, ठीक है बात कांग्रेस की, कि एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र ही भारत बन सकता है, क्योंकि बिना उसके इस विशाल देश की एकता, सामाजिक, धार्मिक, आपके भाषाओं के आधार पर ये जो विभिन्नता है इस देश में, उस सब की को इकट्ठा रखकर एक देश का रूप देना असंभव है जब तक ये एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र नहीं रहेगा। उस बात को मानते हुए वामपंथी लोगों का व्यू क्या था, जो वही बात जो बाबा साहब जो उस समय कर रहे थे अपने अलग रुझान से, कि जब राजनीतिक आज़ादी जो मिलेगी हमें, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र ज़रूर आज़ाद भारत बनेगा, लेकिन उसी से आज़ाद भारत संपूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं होगा। राजनीतिक आज़ादी को हमें बदलना है हर इंसान की आर्थिक आज़ादी में, और आर्थिक और सामाजिक आज़ादी जब तक हम हासिल नहीं करेंगे, सिर्फ राजनीतिक आज़ादी से काम पूरा नहीं होता। उसके लिए हम इस लड़ाई को जारी रखना चाहिए। ये वामपंथी व्यू था। वामपंथी व्यू पैदा हुआ 1920 और 25 के बीच में। कांग्रेस का जो व्यू मैं बात कर रहा था, वो मोतीलाल नेहरू कमीशन की
जो रिपोर्ट थी उसके अंदर पहली बार उसकी जिक्र गई थी, वो भी 1920 के दशक में। और इसके ठीक विपरीत, इन दोनों व्यूहों के ठीक विपरीत, एक तीसरा व्यू पैदा हुआ जिसका ये मानना था आज़ाद भारत का चरित्र जो होगा, कैरेक्टर जो होगा, वो कैरेक्टर निर्धारित होगा लोगों की धार्मिक आधारों के आधार पर। यानी जिस धर्म के साथ लोग जुटे हुए हैं उन धर्मों के आधार पर इस देश का चरित्र जो है उसकी बुनियाद होनी चाहिए। और इस व्यू के अंदर दो जुड़वे भाई थे, एक था जो भारत को आज़ादी के बाद बदलना चाह रहा था हिंदुओं के, हिंदू धर्म के आधार पर एक हिंदू राष्ट्र के नाम से, और वो व्यू की पैदाइशी आप ही के इसी नागपुर में 1925 में हुई थी। तो आपका एक बहुत बड़ा विरासत है मतलब इस व्यू को पैदा करने में नागपुर शहर का। और इसी मतलब आपके 1920 के दशक में एक और व्यू पैदा हुआ था कि भारत का, आज़ाद भारत का चरित्र जो है वो इस्लाम धर्म के आधार पर उसका निर्माण होना होगा, तो इसलिए इस्लामिक स्टेट का नारा मुस्लिम लीग की तरफ से निकल के आया। इस्लामिक स्टेट का नारा और हिंदू राष्ट्र का नारा, ये दोनों इसलिए हम कहते जुड़वे भाई हैं कि उनका राजनीतिक सामाजिक न्याय के साथ उसका कोई जुड़ाव नहीं था। उन दोनों का व्यू यही था कि धर्म के आधार पर इस आज़ाद भारत का निर्माण होगा। चलिए, इतिहास जो भी गुजर गया गुजर गया, देश का बंटवारा हुआ, इस्लामिक स्टेट का रूप में पाकिस्तान उभरा, वो मतलब जो भी दुर्भाग्यपूर्ण से जो भी हुई वो इतिहास अब हो चुकी है। हम लोग सब पैदा हुए, मेरी पीढ़ी पैदा हुई देश के बंटवारे के बाद, आज़ादी के बाद, तो हमारे लिए ये सब तो इतिहास है, अब ये हो गया। लेकिन वो दूसरा जो व्यू था कि एक हिंदू राष्ट्र में भारत को बनाने वाला, वो भारत के अंदर आज़ादी के समय, आज़ादी आने के बाद वो बरकरार नहीं हो पाया जिस तरीके से पाकिस्तान बना। और वो बरकरार ना होने के वजह से, क्योंकि जो कांग्रेस के नेतृत्व में ये लहर जो था आज़ादी का, जिस उद्देश्य कांग्रेस का था कि एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र भारत बनेगा, जिसको स्वीकार करती थी वामपंथी व्यू, वामपंथी उससे भी आगे बढ़कर जाना चाह रही थी, जो भगत सिंह ने कहा कि हमारी लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं है, हमारी लक्ष्य ये है एक सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले पूरे अपने भारत के अंदर, जब तक वो पूरा नहीं होगा आज़ादी का जंग खत्म नहीं होता हमारा। भगत सिंह ने जो बात कही वो बात को रखते हुए हमने कहा ये तो एक सीमित लक्ष्य हमने हासिल किया, सीमित यानी एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, जनतंत्र का गणतंत्र निश्चित रूप से बड़ा, उसका तो रक्षा करनी है, बिल्कुल ज़रूरी है वो, वरना एक सामाजिक और आर्थिक रूप में एक न्याय के आधार पर समाज का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसको बचाते हुए इसके ऊपर ईंट और इमारत बनानी है, नहीं तो वामपंथी व्यू का, सामाजिक न्याय का व्यू का वो उसके साथ जुड़ा आज़ादी के समय पर। लेकिन जो व्यू भारत के लोगों ने उस समय नकार दिया था हिंदू राष्ट्र का, जिसके चलते हुए पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का जो सिंबल थे, जो हमारे राष्ट्रपिता कहते हैं हम आज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की हत्या उस वजह से हुई क्योंकि उस व्यू का जीत नहीं हुआ, हार हुई हिंदू राष्ट्र के समझ का आज़ादी के समय। उस समय भारत बना एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र चाहने वाले थे वो उससे संतुष्ट नहीं थे, स्वाभाविक है उनका व्यू लेवा। तो तब से लेकर आज तक वो जो कोशिश है उनकी इस अपने जनतंत्र का गणतंत्र जो है भारत, इसको बदले हिंदू राष्ट्र के रूप में, अभी भी जो राजनीतिक और विचारधारात्मक जो संघर्ष हमें नज़र आ रहे हैं वो सब इन्हीं व्यूहों का टकराव है।
इन्हीं व्यूहों का टकराव है। जब हमारा टकराव होता है वामपंथियों का कांग्रेस पार्टी से संसद के अंदर उदाहरण के रूप में, ये टकराव इसी से होता है कि आपकी नीतियां जो है देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाने की जगह उसको अन्याय के रूप में बदल रही है। लड़ते हैं उनसे राजनीतिक तौर पर, लेकिन वो लड़ाई है कि एक बेहतर भारत बनाने के लिए। लेकिन ये जो व्यू है संघीकरण की आप जो बात करें उसका व्यू ही एकदम उनसे भिन्न है, अलग है कि भारत की चरित्र को ही बदलना है। एक जनतंत्र का गणतंत्र नहीं लेकिन एक हिंदू राष्ट्र के रूप में इसको बदलना। ये टकराव इन तीनों व्यूहों के बीच में जो 1920 के दशक में शुरू हुई थी आज भी उसी का अलग अलग रूप हो रहे हैं, लेकिन अगर सारांश में अगर आप जाओ यही है टकराव आज। और इस टकराव के चलते हुए जब उनको सरकार का सत्ता उनके हाथ में जब पहुंचा चुनाव के बाद, हर समय कोशिश यही है कि इसको हम किस तरीके से इस चरित्र को बदले भारत का, आज़ाद भारत का, एक गणतंत्र से एक हिंदू राष्ट्र के रूप में। संघीकरण की जितनी भी एजेंडा आप जो चर्चा करते हो वो सब इसी के स्वरूप जो है, हमें इसी के अंदर जो फिट होता है ये है वो नक्शा जिसके आधार पर जो चल रही है। महात्मा गांधी की तो हत्या हो गई, वही सरदार पटेल आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगाई, उसको बैन कर दिया कानूनी तौर पर, उसी सरदार पटेल को जिसको वो आज अपना नेता मानते हैं, उन्होंने ही अपने हाथ से लिखा कि आरएसएस के ऊपर बैन क्यों हो। और वही पटेल नेहरू के साथ लड़ते हैं कि बिना बैन किए देश के अंदर शांति स्थापना नहीं हो सकती। और आरएसएस के ऊपर जब प्रतिबंध लगा वो प्रतिबंध हटाने के लिए बहुत उन्होंने कोशिश की, उनके नेता उन जमाने के, और वो कोशिशों के बाद में एक समझौता पर सरकार के साथ आरएसएस पहुंची। और उस समझौता में सरदार पटेल ने यह शर्त लगाया था कि आरएसएस राजनीति में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि हिंसा की राजनीति उसकी है, उसके चलते हुए इस देश की एकता और अखंडता बरकरार नहीं रहेगी, वो जो है खत्म होगी। तो इस शर्त को मानते हुए आरएसएस ने घोषणा किया वो एक सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात जो अभी जो बताए उसका जन्म वहीं से होता है कि हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, राजनीति से लेना देना नहीं है। वो शर्त बिना माने उनके ऊपर पाबंदी नहीं हटती थी उसमें, और सरदार पटेल काफ़ी मजबूत व्यक्ति थे, मतलब डटे हुए, उन्होंने कहा ये बात मानो वरना पाबंदी नहीं उठेगी, बात को मान लिया। तब से लेकर आज तक उसी खोज में रहे, आरएसएस राजनीति में शामिल नहीं हो सकती इस शर्त के चलते हुए, तो अपना एक राजनीतिक अंग को खोजते आए। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या होती है, 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेहरू के कैबिनेट में मंत्री थे वो किसी कारण से नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी खोज में थे कि एक राजनीतिक पार्टी बनाए, क्योंकि आरएसएस राजनीति में अपने आप नहीं उतर सकती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मदद करने के लिए आरएसएस 4 स्वयंसेवकों को भेजा पार्टी बनाने के लिए। और ये 4 कौन थे? आपके दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, लाल कृष्ण अडवाणी जी और श्याम सुंदर भंडारी जी। ये 4 स्वयंसेवकों को भेजा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मदद करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए, और वो पार्टी बनी जिसका नाम उन्होंने दिया जनसंघ। अब ये इतिहास है, अब ये इतिहास को दोहराने से कोई मतलब नहीं आज के दिन के लिए, लेकिन समझना ज़रूरी है। अब इस इतिहास के चलते हुए जनता पार्टी में शामिल हो गई थी जनसंघ, और वो सरकार गिरी क्यों मोरारजी देसाई? क्योंकि एक आवाज़ उठा था जनता पार्टी की, इंदिरा गांधी को हराया, हम लोग सब जेल गए, हम गिरफ्तार हुए। और ये अलग बात है, व्यक्तिगत तौर पे अगर वो गिरफ्तारी नहीं होती और जेल नहीं जाते तो शायद
हम राजनीति में नहीं आते, मतलब हम भी एक प्रोफेसर बन के आपके जैसा बैठे हुए, मतलब कॉलेज में कहीं पर होते, लेकिन हमारी रिसर्च का मतलब डॉक्टरेट पूरा नहीं हो पाया, ये इमरजेंसी आ गई तो जेल चले गए, तो ठहर वो अलग बात है हमारा व्यक्तिगत जिंदगी का। लेकिन बहुत बड़ी लड़ाई के बाद हमने फिर पुनर्स्थापना किया जनतंत्र का, जनता पार्टी की सरकार बनी, जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गई। सवाल उठ गया वहाँ पर समाजवादी तत्वों से, जनता पार्टी के अंदर जो थे, कि जनसंघ वाले जो भी शामिल हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी मंत्री थे उस समय केंद्र मंत्री, उन्होंने ये कहा कि आप जो है आरएसएस से इस्तीफा दो क्योंकि आप जनता पार्टी के सदस्य हो। और बुजुर्गों को याद होगा उस समय एक चर्चित एक विवाद बन गया था ड्यूअल मेंबरशिप का सवाल, कि क्या आप दोनों के मेंबर रह सकते हो, क्या जनता पार्टी के भी मेंबर और आरएसएस के। आरएसएस वाले नहीं माने, उनके 90 से ज्यादा थे एमपी उस जमाने में, आजकल बाद में प्रचार करने लगे बीजेपी दो एमपी से यहां तक बन गई कि अब सरकार बना रही, लेकिन 90 से वो दो पे उतरा है उस सरकार। उस चक्कर में ड्यूअल मेंबरशिप के चक्कर में जनता पार्टी सरकार गिर गई। खैर वो सब राजनीतिक इतिहास है, लेकिन इसको याद करने की इसलिए जरूरी है कि आरएसएस को कभी कभी भी आरएसएस से अलग होने की बात किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, वाजपेयी साहब हो या अडवाणी साहब हो या नरेंद्र मोदी साहब हो, जो भी है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं हो, उससे जो है वो कभी भी अलग नहीं हो सकते, ना होंगे। ये बात उसी से साबित हो गई, ये है सीखने वाली बात। तो तब से लेकर आज तक उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, और ये इतिहास है उस पार्टी का, यानी ये पार्टी आरएसएस से कभी अलग नहीं हुई है ना कभी है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ही एक राजनीतिक अंग है, जैसे बीएमएस भारतीय मजदूर संघ आरएसएस का एक मजदूरों के बीच में अंग है, या आपके एबीवीपी जो आरएसएस के छात्रों के बीच में अंग है, उसी तरीके से भाजपा आरएसएस के एक राजनीति का अंग है। तो इन दोनों को अलग करके देखना आपकी और हमारी गलती होगी, अलग करके दिखाना चाहेंगे वो, लेकिन वास्तविकता यही है जो मैं बता रहा हूँ, वो भी जानते हैं। इसलिए आरएसएस जब बुलाता है तो पूरी मंत्रिमंडल की पेशी हो जाती है, प्रधानमंत्री साहब खुद वहाँ पे स्वयं मौजूद, और क्या है अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में रहकर वो क्या काम कर रहे हैं, वो आरएसएस के लिए पेश करना है और उनकी समझ आनी है। यानी छात्र जो एक परीक्षा देते हैं उस तरीके से परीक्षा में बैठेंगे, और इस बार जब परीक्षा में बैठे तो आरएसएस ने मंत्रिमंडल को पास कर दिया, वो कहा कि अच्छा काम कर रही है। तो आरएसएस से जाना, इसलिए तो हम मजाक में कहते थे, नरेंद्र मोदी साहब कहते थे कि मनमोहन सिंह साहब का रिमोट कंट्रोल जो है सोनिया जी के हाथ में। तुमने कहा कि आपका रिमोट की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही तो आरएसएस के हाथ में हो, वहां तो एटलीस्ट रिमोट की जरूरत थी, यहाँ पर तो रिमोट की भी जरूरत नहीं है, मतलब वही है स्वयं। तो इन दोनों के बीच में फर्क नहीं, और वही हुआ हाल में जब पूरा मंत्रिमंडल वहां पेश हुआ। तो ये जो टकराव है एक सिद्धांतिक विचारधाराओं के बीच, ये टकराव है असली रूप में देखें कि भारत का, आजाद भारत का नक्शा क्या होगा, चरित्र क्या होगा। एक नक्शा था जो बाबा साहब ने अपने तरफ से कहा था, हम अपने तरफ से कह रहे थे, यानी कम्युनिस्ट आंदोलन, कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना आजादी अधूरा है, इसको पूरा करना है। और दूसरी तरफ से ये व्यू था कि ये आज़ादी ऐसी ही बेकार है, हम हिंदू राष्ट्र को बनना, अगर हिंदू राष्ट्र बनना है हमें तो ये साबित करना ज़रूरी होगा तो कि इस भूमि पर सबसे पहले हिंदू ही थे, हिंदू के अलावा और कोई था नहीं। तो इसलिए पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी, कई हजारों करोड़ खर्च हुए, सभी इतिहासकारों की एक जमायत हुई वहाँ पे,
और उन्होंने कहा कि वेदा जो वेदाओं जो लिखी गई वो अक्सर बताते हैं कि 1500 मतलब यीशु क्राइस्ट के पैदा होने से पहले 1500 BC के आसपास की उनकी रचना हुई, तो उसका डेट जो है अब ये ले गए पीछे को 6000 साल और पीछे, यानी 7500 साल BC में, यानी 9500 साल आज से तकरीबन 10000 साल बता दी, 10000 साल पहले वेदाओं की रचना हुई। अब तुम वैज्ञानिक तौर पर देखो 10000 साल पहले क्या था हमारी सभ्यता का मतलब हालत, जब अपने आर्कियोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, अपने इतिहासकार है, वो सब इसका मैप बना के बताते हो कितने साल से कितने साल के समय पर क्या हो रहा था मानव सभ्यता के साथ। 10000 साल पहले यहाँ पर तो खेती भी शुरू नहीं हुई अपने इन ज़मीनों पे। उनका कहना है कि नहीं, वेद उस समय लिखे गए। अब भाई कोई पूछो उनसे कि भाई इसका क्या है तथ्य, किस आधार पर बता रहे हो, कहते विश्वास है हमारी। अरे क्या विश्वास है तुम्हारा ये तो बताओ, तो बोलते तो आप अपने पिता के लड़के कैसे हो, कौन बताया आपको, उल्टा सवाल पूछते। तो बोले तो तुम्हारी माँ ने बताया होगा कि आप जो है उनके उनके पुत्र हो, तो उसी तरीके से मेरी माँ ने बताया कि 10000 साल पहले वेद का रचना हुई। अब इसका जवाब क्या, मतलब आधुनिक जवाब क्या है इसमें, क्या वैज्ञानिक जवाब क्या दोगे आप, बस ये कहता हमारा विश्वास है। अब ये करना ज़रूरी उनके लिए क्यों है, क्योंकि अगर मुसलमान बाहर से आए, ईसाई बाहर से आए, वो सब विदेशी हैं उनके कहने के मुताबिक, उन सबको अपने मुल्क में नहीं रहना है। अगर ये बात को साबित करना है तो ये साबित करना होगा हिंदू यही थे, मतलब वो कहीं से आए नहीं थे। अगर हिंदू यहीं के थे तो ये बताना होगा कि आर्य जो है, आर्यन, आर्यवर्ता, आर्यपुत्र, वो आर्यपुत्र का जन्म यहीं पे हुआ। अब पूरा वैज्ञानिक आधार आपको बताता है कि आर्य भी वो आर्य जो कहा जाता है आर्य, मतलब क्या थे वो, एक 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 कोई समुदाय नहीं थी, लेकिन वो आया आपके सेंट्रल एशिया से, कभी समरकंड बुखारा जो आज का है, मतलब उस जगह से, यहीं पर नहीं, ईरान, इराक, वो सब जगह पर मतलब ये लोग फैले, क्योंकि वो सबसे पहले थे मानव सभ्यता में जिन्होंने घोड़े को लगाम में लगाया। तो ये जो कल्पना करना है, तो आर्य यहीं के है ये साबित करना है उनको, अगर आर्य यहीं के है ये साबित करना है तो वो साबित नहीं हो रहा। अगर वो साबित करना है तो बताना आर्यों ने जो लिखा वेदा, वो वेदा जो है उन्होंने ही लिखा है और यहीं पर लिखा गया। अगर ये साबित नहीं करे तो हिंदू भी उतने ही विदेशी है जितने मुसलमान हैं, जितने ईसाई है। अब इसीलिए देखिए आप, भाजपा और RSS कभी अपने देश में आदिवासी को आदिवासी नहीं बुलाता, उसको वनवासी कहता, जंगल में रहने वाले। अगर आदिवासी कह दे तो आदिमानव तो वही हुए ना भाई, सबसे पहले वही थे। तो आप भी बाहर से आए हो तो ये आपका देश कैसे होगा, लेकिन इसको साबित करने के लिए इतिहास को मोड़ो। अब इतिहास के ऊपर जो संगीकरण जो हो रहा है, जो अपने किताब जो पढ़ा रहे थे प्रोफेसर साहब के, बाद में जो पीढ़ी आएगी वो उनको बढ़ाना पड़ेगा जो उनके किताबें हैं, और उस किताबों में इसी तरीके से अपनी अपने देश की चरित्र को ही बदलने वाली बात, और उनके हिसाब से उस चरित्र को बदलना। इस सालगिरह को मनाते हुए एक स्पेशल सेशन बुलाइए पार्लियामेंट का। तो ये एक संगीकरण का दौर है कि इतिहास को मरोड़ो, बदलो और इसको अपने पौराणिक कथाओं में इतिहास को जोड़ दो, बदल दो। अगर वक्त होगी तो पौराणिक कथाओं के भी बाद में बताता हूँ, मतलब वो बाद में आएंगे, लेकिन ये एक धारा है। दूसरा क्या है, अगर हिंदू राष्ट्र है अपना भारत तो मनुवादी आधार पर ही ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है, और वर्ण व्यवस्था के हम ना सिर्फ मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसकी सुरक्षा करने वाले भी। तो आज अगर RSS के प्रमुख ये कहते हैं कि आरक्षण के हम खिलाफ है,
आज ये कहते हैं आरक्षण के बारे में पुनर्विचार करना है, जब देश में हल्ला मच जाता है उसके बाद फिर उसी बात को वो दोहराते हैं। तो आप अपनी एक विचारधारात्मक सिद्धांतिक समझ को वो सिर्फ दोहरा रहे हैं। और गोलवलकर साहब अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखते भी हैं, वर्णाश्रम का जिक्र करते हुए उसका विवरण करते हुए, ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ सर से, क्षत्रिय कैसे पैदा हुआ बाजुओं से, वैश्य कैसे पैदा होता पेट से, शूद्र कैसे पैदा होता पैरों से, और जो अछूत है इन सब के चारों के बाहर है, और ये शरीर जो है ये शरीर है हमारा हिंदू समाज का जिसको हम स्वीकार करते हैं और मानते हैं। ये खुद लिखते हैं, इसके अंदर कोई मतलब शर्माने की बात नहीं है, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से, जो बात करते हैं ये खुद स्वीकार करते हैं। यानी भेदभाव नहीं होना है हिंदू समाज के अंदर, वो ख्याल लगता है अच्छा सुनने के लिए, लेकिन वो हिंदू समाज का ही मतलब है ये वर्णाश्रम के ऊपर आधारित समाज। और इस हिंदू समाज की संरक्षण के लिए आज जो है वो अपनी राजनीति चला रहे कि अपने इस जनतांत्रिक भारत को बदलना है एक हिंदू राष्ट्र के रूप में। तो सामाजिक न्याय के खिलाफ, साथ ही साथ आर्थिक न्याय के खिलाफ उनकी विचारधारा का बुनियाद है। एक तरफ से ये संघीकरण की बात इस तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि सत्ता को अगर हासिल करना है तो आपको इस हिंदू समाज को एक वोट बैंक के रूप में बांध के रखना, और एक तरफ से आप कहते हो वर्णाश्रम के अंदर हमारी मतलब उसको मानते हैं हम, जात के नाम पर समाज के अंदर एक बंटवारा होनी चाहिए और स्वर्ण जाति और हमारे दलित और पिछड़े हुए जातियों के बीच में इस फर्क को बरकरार रखना चाहिए, ये भी मानते हैं एक ओर से, दूसरी ओर से चाहते हैं उन सब की एकता हो वोट डालने के लिए आपकी उनकी राजनीतिक और चुनावी फायदा के लिए वो सब लोगों को लामबंद करना। ये द्वंद्वीय खेल है, मतलब जिस तरीके से उनकी राजनीति चलती है। तो इसलिए आज आरक्षण के खिलाफ तो उनके प्रमुख ही बोलेंगे, लेकिन दूसरी तरह से अगर ये एकता पैदा करना है हिंदुओं के बीच में, कैसे हो सकता है ये एकता पैदा करना है हिंदुओं के बीच में, जिसके अंदर सामाजिक तौर पर बंटवारे को आप खुद स्वीकार करते हो, जिसके अंदर सामाजिक शोषण के आधार पर ये समाज को बरकरार रखना आप खुद मानते हो, लेकिन आप चाहते हो एकता उनके बीच में, वोट का मामला जब आएगा तो ये कैसे हो आएगा ये एकता? एक ही रास्ता है एकता को पैदा करने के लिए, वो रास्ता है हिंदुओं के बाहर समाज में और बाकी धर्मों के साथ जो लोग जुड़े हैं अल्पसंख्यक, उनके खिलाफ जितना ज़्यादा नफरत फैलाओगे उतना ज़्यादा हिंदुओं की एकता बनाने में आप कामयाब होंगे। तो सांप्रदायिकता उनका एक जड़ बन जाता है, बिना उसके उनकी राजनीतिक जीवन और अस्तित्व नहीं बनती। तो नफरत पैदा करना, आज दादरी में जो हो रहा है दिल्ली के 50 किलोमीटर दूर जो हिंसा जो हुआ वहाँ पे और जो खून जो किया गया एक अफवाह के आधार पर, अफवाह फैलाना उसके आधार पर जज्बात को भड़काना, उस जज्बात को भड़का कर इस तनाव को पैदा करना और उस तनाव के आधार पर ये हिंदुओं के बीच में एकता पैदा करना, ताकि सबसे गंदी वोट बैंक की राजनीति कि सांप्रदायिक हिंदुओं के बीच में वोट बैंक के लिए अपनी एकता बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक मुसलमानों के ऊपर या ईसाइयों के ऊपर वो हमला आप करते रहे। अब ये कहेंगे धर्म के नाम पर, धर्म के संरक्षण के नाम पर ये हो रहा है, कौन सा धर्म? हिंदू धर्म की बात कहो तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, क्या सिखाया हम सबको? जो भी चिंतक थे हिंदू धर्म के साथ जुड़े हुए क्या बोला उन्होंने? विवेकानंद ही नहीं, लेकिन उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि सबसे प्रमुख माना जाता है। क्या बताया उनका पूरा का पूरा फिलॉसफी या उनका समझ क्या था? ठीक है, हमारे जैसे नास्तिक भी हैं जो नहीं मानेंगे किसी भगवान को,
और नास्तिक होना हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू उन्हीं का बात को लीजिए, हिंदू धर्म के अंदर उतनी ही पुरानी है जितना हिंदू धर्म ही है। सबसे पहला नास्तिक कौन था बताइए, जो लिखा गया चार्वाक, एक ब्राह्मण था, वो नास्तिक बना, वो भी उतना ही पुराना है हिंदू परंपरा का जितना हिंदू परंपरा है पुराना। तो अब नास्तिक हो या आप कोई भी धर्म के साथ हो, या अशोका के चार जो सिंह का जो अभी जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारा स्टेट सिंबल, वो ताज जो हमारा भारत का आज के दिन का है, उसके नीचे लिखा गया है और लिखा ये है कि कोई भी धर्म के साथ, कोई संबंध के साथ जो भी इंसान अपना चुनता है, उस इंसान का, उस निर्णय का संरक्षण करता है हमारा सरकार। वही परंपरा है जो आज भी हम मान के आते हैं, हम कहते हैं उसी को लागू करो। नहीं, हिंदू धर्म ही सबसे अच्छा धर्म है, मेरा भगवान अच्छा है, उनका भगवान खराब है। अरे जो एक भगवान को अच्छा कहता है दूसरे भगवान को खराब करता है, वो अपने आप में भगवान है कि नहीं है वो भी तो सोचना पड़ेगा। अब विवेकानंद जी कहते हैं भविष्य क्या है हिंदुस्तान का, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये वेदांतिक माइंड एंड एन इस्लामिक बॉडी, उनका जवाब था, मेरा नहीं। अब वो कहते इस परंपरा के साथ हम लोग सब मतलब उधर के आए, उस परंपरा को ही बिगाड़ना। हिंदू का ह और मुसलमान का म, ये दोनों नहीं जुड़ता, या ह और माँ, तो हम नहीं बनते, हिंदू हिंदुस्तान नहीं बनता। और उसके साथ अगर दलित और सामाजिक अन्याय जिनके ऊपर थोपा जा रहा है उनको नहीं जोड़ोगे आप, तो ये हिंदुस्तान खोखला ही रहेगा आज। इसलिए सामाजिक न्याय के लिए आपको संघर्ष जितना करना है, वो संघर्ष उतना ही आगे बढ़ सकता है जितना इस संघीकरण के खिलाफ आप अपनी संघर्ष करेंगे। तो परंपरा की बात करें तो बताएं, हमारे देश के अंदर विभिन्न परंपरा हैं, सिर्फ अलग अलग धर्मों की नहीं, अलग अलग जातियों की नहीं, एक ही हिंदू धर्म के अंदर। पता नहीं यहाँ पे केरल के कुछ लोग है कि नहीं, है कोई केरल का? केरल के अंदर एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है ओनम, सब लोग जानते हैं ओनम को। और ओनम के पीछे कहानी क्या है, उनका जो जनप्रिय राजा था महाबली, और वो हर साल एक बार वापस आता है अपने जनता के साथ, और जनता इतना खुश होती है क्योंकि उतने जनप्रिय वो राजा थे उनके, कि उस दिन त्यौहार मनाते हैं, वो है ओनम। केरल में वही अयप्पा में जाता है मंदिर में, वही बड़े बड़े मतलब हिंदू धार्मिक लोग हैं। अब वो जो है महाबली वापस आता है उसकी खुशी मनाते हैं ओनम के दिन। उत्तर भारत में खुशी मनाते हैं क्योंकि महाबली को विष्णु ने वामन अवतार में मार दिया, इसलिए आप और हम जिंदा हैं आज। तो एक हिंदू जो है मानता है महाबली के मरने से हम लोग जिंदा हैं, दूसरा हिंदू जो है मानता है महाबली वापस आ रहा है एक दिन के लिए तो खुशियां मनाता है। इन दोनों में से कौन है बेहतर हिंदू और कौन है गलत हिंदू? आपके नागपुर से सर्टिफिकेट मिलेगा हमें है? कि आप पिछड़े हुए जातियों का सर्टिफिकेट, दलित का सर्टिफिकेट, साथ ये भी सर्टिफिकेट कि अच्छा हिंदू है या गलत हिंदू है। तो ये जो संघीकरण जो हो रही है, ये एक खतरा है कि अपने आधुनिक हिंदुस्तान का ही नक्शा बदलने का, और इसी के अंदर सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा, इसका एक बहुत बड़ा एक हम मानते अंग है इस पूरी कोशिश का, जिसको इसको रोकने के लिए। वामपंथी और आपके रिपब्लिकन पार्टी के बीच में बहुत पुराने संबंध रही हैं, बहुत पुराने अनुभव रही हैं, मैं वो इतिहास में नहीं जाना चाहता। अंबेडकर साहब को याद रखिएगा आप, अंबेडकर साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने लिखा, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपके महाराष्ट्र से टिकट नहीं दिया था कांग्रेस पार्टी ने, याद करिएगा। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहेब अंबेडकर आए हैं बंगाल की असेंबली से, और कम्युनिस्ट लोग अपने एक प्रतिनिधि को अलग रख के बाबा साहेब को भेजा उस समय,
ये कहते हुए कि उनकी ज़रूरत है संविधान सभा में, हमारी नहीं है। वो भी एक ज़माना था इस संबंध का, महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ते थे, ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूएंसी होता था, एक दलित और एक जनरल वार्ड पे। उस ड्यूअल में अंबेडकर साहब के साथ मिलकर डांगे लड़े थे महाराष्ट्र के अंदर, ऐसे डांगे जो कम्युनिस्ट के जो रहता होगा, तो वो भी संबंध थे। बाद में कई और कारण हुए, मैं उसके वो इतिहास में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आज एक बात जो हमें जो कहना ज़रूरी है, जो हम हमारे पार्टी में कह चुके कि हम आज लोग, कई सारे लोग जब आर्थिक लड़ाई लड़नी होती है तो लाल झंडा, लाल झंडे के पीछे पुलिस की लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे आर्थिक सवालों पर, आर्थिक शोषण के खिलाफ। लेकिन सामाजिक शोषण की सवाल बात आएगी या वही लोग अगर वोट डालने के समय, चुनाव के समय बात आएंगे तो वोट डलेगा बाकी रंगों के ऊपर, लाल के ऊपर नहीं। लेकिन लड़ना तो है लाल झंडे के साथ, क्योंकि वो एक ही है, यानी जो विश्वास लोगों में हम पैदा कर चुके हैं लाल झंडे में आर्थिक न्याय के लिए, उसी तरीके की विश्वास हम पैदा नहीं कर पाए सामाजिक न्याय के सवाल पर, ये आत्मालोचना हम खुद स्वीकार किए हैं। अब इन दोनों को मिलाना है, इसलिए हम जब महासचिव बने उसके बाद हम जो नारा दिया पार्टी के अंदर वो ये है कि जैसे हर फैक्ट्री के गेट पे, हर फैक्ट्री के गेट पे एक लाल झंडा लहराएगा, उसी तरीके से हर गांव में उस कुएं के ऊपर जहां पर दलितों को पानी नहीं पीने देता है, उस कुएं के ऊपर भी लाल झंडा जब तक नहीं लहराएगा तो देश के अंदर क्रांति नहीं आएगी। इन दोनों को साथ साथ मिलाकर हमें चलने की ज़रूरत है। तो आज इस संघीकरण के कई सारे पहलू हैं, आपके सेना के अंदर संघीकरण, आपके स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाता है उसके अंदर संघीकरण, यूनिवर्सिटी का कौन होगा वाइस चांसलर उसके अंदर संघीकरण, कौन किधर किस कौन से पोजीशन पे कौन अपॉइंट होगा उसके अंदर संघीकरण। लेकिन साथ ही साथ आरक्षण के बारे में पुनर्विचार करेंगे, साथ ही साथ पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जो भी आरक्षण हुआ है, अरे आंकड़े दिखा के हम बताते हैं पार्लियामेंट में, 60 साल हो गया, 65 साल हो गया, आज भी कितना परसेंटेज रिजर्व में आना चाहिए और कितना आ रहा है, IAS में ले लो या ऊपरी दर्जे की लाभ ले लो, 4% 5% से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता। अब निजीकरण कर रहे हो पूरा उद्योग का, अगर एकमात्र जगह जहाँ पर आरक्षण का कुछ फ़ायदा मिलता था वो आपके पब्लिक सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर की निजीकरण होगा तो थोड़ा बहुत आरक्षण से फ़ायदा भी मिल रहा, वो भी नहीं मिलता। तो आप निजी सेक्टर के अंदर भी आरक्षण का निर्णय लो सरकार, वो नहीं लेते, बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं लागू कर रहे हो आरक्षण, नहीं जी प्राइवेट सेक्टर की कंपटीशन कम हो जाएगी। मोदी साहब अभी गए डिजिटल इंडिया की बात करने, कहते डिजिटल इंडिया में आरक्षण देने से डिजिटल इंडिया खराब हो जाएगा, मतलब वो आगे नहीं बढ़ेगी, तो आरक्षण की वजह से क्वालिटी घट जाएगी। अरे क्वालिटी का मतलब क्या है, जब मौका बराबर का दो तो आप देखोगे कि हमने देखा, हम जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र थे यही आरोप था, हम लोग लड़कर वहाँ पर इसको लागू करवाए थे उन जमाने में, आरक्षण 70 की बात है, तो वो जब लागू कराए थे यही था कि मेरिट जो है आपका नीचे गिर जाए। तो हमने एक स्टडी करवाई यूनिवर्सिटी के, एजुकेशन सेंटर था, आप लोग जो अध्यापक है आप समझ रहे, वो उनके अंदर बड़े माने हुए जो जो डॉक्टर थे, डॉक्टरेट थे, वो लोग जो है सर्वे किया और क्या उसका नतीजा निकला, जो दलित कोटा के अंदर या कोटा से बाहर भी जो दलित जो है वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, जो स्वर्ण जाति के जितने छात्र थे उन छात्रों के मुकाबले में देखे तो 2 साल के अंदर वो दलित छात्र का जो प्रगति हुआ वो उससे ज़्यादा था और आगे क्यों बढ़ा। तो बात बताओ भाई, इसमें मेरिट खराब कहाँ हो रहा है, मौका दो, आप मौका दो बराबरी का, उसके बाद अपने मेरिट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन बराबरी का मौका देने से ही इनकार आप क्यों करते हो, वरना उन कब्जा उनका जो समाज पे है, राजनीति पे है, अवसरवाद पे है, जो पूरी की पूरी व्यवस्था पे है वो कमज़ोर हो जाएगी, तो उसके खिलाफ उनका पूरा रुझान है।
वो भी लड़कर देना। अब ये अफसोस की बात है, शर्म आती है अपने देश के बारे में कि कितने कुछ 200 या 300 नौकरियों के लिए 4-4 रेलवे में, कुछ हजारों लाख के करीब आपके एप्लीकेशन पहुंचते हैं और उसके अंदर जितने पोस्ट है उसके कई गुना ज़्यादा जो है डॉक्टरेट है, पीएचडी है, जब मिनिमम क्वालिफिकेशन है 5वीं क्लास। लेकिन ये सब एप्लीकेशन पहुंचते, ये है हालत अपने देश के अंदर रोजगार का। आज ये आंकड़े जो बताया गया है क्या है, दो भारतों का निर्माण हो रहा है। मोदी साहब और ये लोग सब कहते हैं कि देखो जी हर महीने 2-2 बार विदेश जा रहे हैं मोदी साहब। पार्लियामेंट में कहा पहले, अब तो वो बोले थे काले धन वापस लाएंगे विदेश से, हम सबको 15 लाख रुपए मिल जाएगी। बाद में कह दिया कि वो जुमला है, चुनावी जुमला है, वो सही नहीं है। अब जो है काला धन का पूरा स्कीम लगाया, पैसा आया कुछ 3,000 करोड़ रुपए आया। वो सबके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने की बात करो तो 18 रुपये से कम है, 15 लाख से 18 रुपये से कम। लेकिन पार्लियामेंट की जब सेशन चलती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सीट होता है खाली, वहाँ पे है ही नहीं। नाराज़ हो गए थे, लेकिन हमने उनसे उस समय पार्लियामेंट में कहा था कि भाई विदेश से काला धन वापस लाने की बात छोड़ो, हमारे प्रधानमंत्री को तो वापस ले आओ, वो तो विदेश में ही बैठे हैं, पार्लियामेंट में जवाब तो दे क्या हो रहा है देश की। अब ये हालत है, एक तरफ से बड़े गर्व से आज कहते हैं 100 जी हमारे यहाँ महाकरोड़पति है हिंदुस्तान में, तरक्की देखो कितना हो गया मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद। अब बिलियनेयर कहते हैं उसको, बिलियनेयर का मतलब क्या है, $1 बिलियन, $1 बिलियन का मतलब क्या है, 65,000 करोड़। जिन व्यक्ति के हाथ में 65,000 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी, अब मेरे को तो ये सिर्फ आंकड़ा है, कभी देखे नहीं है, तो मतलब इतने पैसे अगर देखो पता नहीं इस पूरे हॉल में आएगा कि नहीं वो पैसा, अगर 1,000 रुपये के नोट में जमा भी करो 65,000 करोड़ इस हॉल के अंदर आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे व्यक्ति हमारे देश के अंदर 100 है, कहता बड़ी तरक्की है हमारी। यानी इन 100 व्यक्तियों के हाथ में जो संपत्ति है आपका, हर साल GDP जो है आपका, उस GDP का आधे के बराबर 100 व्यक्तियों के हाथ में। और दूसरी तरफ सेंसस का डेटा अभी जो मतलब बाहर किया उन्होंने 2 हफ्ते पहले, सेंसस के आंकड़े क्या बताते हैं, 90% हमारे देश के अंदर परिवार है, 90% जिस परिवार में जो तनख्वाह लेकर आता है परिवार का मुखिया, वो तनख्वाह लेकर आता है, 90% परिवार ऐसे है जिनकी महीने की आमदनी या जो भी पैसा उनको मिलता है वो 10,000 रुपये से कम है। 120 करोड़ों की परिवार की आमदनी 10,000 रुपये से कम है महीने, और 100 लोग हैं आपके पास जिनके पास 65,000 करोड़ रुपए की निजी संपत्ति है एक एक के पास या उससे ज़्यादा। यह है दो भारतों का निर्माण। अब जाहिर है वर्ण व्यवस्था को बरकरार रख के इस तरीके के दो भारत बन रहे हैं तो आपके दलित और पिछड़े हुए जाति या जो सामाजिक अन्याय के जो पीड़ित है उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है, इसके अंदर कोई विश्लेषण की जरूरत नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में बराबरी की हैसियत जो हमारा संविधान देता है, बाबा साहेब अम्बेडकर उस समय संविधान बनते समय किसी ने संशोधन दिया था कि समाजवाद को क्यों नहीं जोड़ रहे हो आप, तो बोला समाजवाद का मतलब क्या है, ना जात के नाम पर, ना धर्म के नाम पर, ना आपके महिला या पुरुष के नाम पर, इन तीनों क्षेत्रों में जो भी असमानता है उस असमानता को खत्म करते हुए हम समानता की गारंटी दे रहे हैं संविधान में, समाजवाद उससे ज़्यादा उसका मतलब क्या है। अगर आर्थिक समानता है आपके पास, सामाजिक समानता है, धर्म की समानता है, जाति की समानता है और महिला पुरुषों के बीच में समानता है, तो इससे ज़्यादा है क्या समाजवाद। ये उनकी बात कहा था, उसलिए वो शब्द नहीं जोड़ा था उसमें। आज क्या हो रहा है वो गारंटी का, क्या हो रहा है आज गारंटी का, दलितों के ऊपर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
आरक्षण का लागू करने की बात छोड़िए, परसों एक दलित पार्लियामेंट हुई, हमारी पार्टी ने मांग की। ये 125वीं सालगिरह है बाबा साहेब की। इस सालगिरह को मनाते हुए एक स्पेशल सेशन बुलाइए पार्लियामेंट का, एक स्पेशल सेशन बुलाइए पार्लियामेंट का। कुछ दलितों के साथ जो वादा किया था, जो बाबा साहेब जो चेतावनी दी थी, क्या उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं, इसके बारे में समीक्षा करने के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाओ आप। लिखित रूप में मैंने दिया, मैंने खुद स्वयं लिख के दिया सरकार को, एक 3 दिन का सेशन बुलाओ और वहाँ पर आंकड़े पेश करो, सरकारी आंकड़े जो सही है गलत है हम बताएंगे आपको, कि आंकड़े पेश करो कि क्या है स्टेटस अपनी इक्वालिटी का, जो आप बात करते हो सामाजिक न्याय का, आज तक माना नहीं ना उस चिट्ठी का जवाब दिया। और ये भी अब बता दो, देश के कानून ये है कि कोई भी सांसद किसी भी मंत्री को चिट्ठी लिखता है तो उसका जवाब तो आता है, कहते हुए आपकी चिट्ठी मिल गई, उतना तो आता है। अब वो भी नहीं आया इस चिट्ठी पे, अब ये हालत है। हाँ, तो हमने कहा ये साल खत्म होने से पहले ये स्पेशल सेशन बुलाइए, इसके बारे में चर्चा करें हम, कि आज के दिन अगर हमें इस संघीकरण से अपने देश को बचाना है, इस विविधता के आधार पर इस देश की एकता अखंडता को बरकरार रखते हुए एक बेहतर भारत बनाने का जो अपना सपना है उसको पूरा करना है, बिना सामाजिक न्याय के, बिना आर्थिक न्याय के ये असंभव है। और सामाजिक न्याय के अन्याय के पीड़ित, आर्थिक अन्याय के पीड़ित, इन दोनों के बीच में एकता जब तक मजबूत नहीं होगी, इस जंग में अपनी जीत नहीं हो सकती। और इसको हम सबको समझना ही नहीं, इसको कार्य मतलब अपने काम में लागू करना, वरना याद रखिएगा ना आप बचोगे ना हम बचेंगे। और ये इसमें सिर्फ बचने का सवाल नहीं है, इसमें अपने बच्चों का, पोतों का, बेटों का, उसकी उनकी तरक्की का सवाल, क्या करें, क्या क्या होगी उनकी ज़िंदगी, बेहतर भारत हम दे पाएंगे कि नहीं, ये है अहम सवाल। और इसलिए आखिरी बात जो बाबा साहब ने कही उसके अंदर बहुत कुछ बातें हैं, आपको आज कहते प्राचीन हिंदुस्तान के बहुत बड़े प्राचीन ये बातें थी संघीकरण का जो हिस्सा है, तो मैं बोला प्राचीन जो आप भी कह रहे हो कि शून्य जी हमने इन्वेंट किया, मैं बोला बिल्कुल सही हमने इन्वेंट किया, जो आर्यभट्टा ने जो है पूरे नक्षत्रों का पूरा ये नक्शा बनाया था, बिल्कुल सही बनाया था, लेकिन कब हुआ ये सब, किस टाइम पे हुआ, किस शताब्दी में हुआ, 6वीं शताब्दी BC, 7वीं शताब्दी AD, और ये था 1100 साल जब सबसे बड़ा प्रमुख अगर धर्म कोई था इस प्रांतों में तो वो था बौद्धवाद, वो हिंदूवाद नहीं था। और ये है असलियत। और बौद्धवाद का जो समानता की जो बात कर रही थी वही इस जातिवादी परंपरा के आते हुए जिसको बिगाड़ कर ये कहा, तो उसके बाद हम पीछे क्यों पड़ गए, वही शून्य। जब यूरोप के अंदर लोग पेड़ों के ऊपर रहते थे, जब यहाँ पर सभ्यता थी, अब वही यूरोप के लोग अपने मालिक क्यों बने, हम पीछे क्यों आ गए, ये सवाल पूछो तो जवाब नहीं, इतिहासकार यही जवाब दीजिए। आज बौद्ध का कला हो, उनकी संस्कृति हो, वो सब आपको गुफाओं में क्यों मिलता है, अजंता एलोरा गुफा में क्यों है, वो बाहर क्यों नहीं है, मतलब जैसे होना चाहिए था, क्योंकि बौद्धवाद के साथ जुड़े हुए लोगों को सामाजिक समाज से अलग करने की जो पूरी की पूरी षड्यंत्र जो रही है, ये वर्ण व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए समाज में, उसके चलते हुए उनकी पूरी कला और संस्कृति आपको गुफाओं में ही मिलती है। और अपने सरहद से बाहर जाओ, उधर तिब्बत और चीन, भूटान, या इस तरफ चाइना और आपके जापान, या नीचे की तरफ श्रीलंका, या अपने पश्चिम की तरफ बामियान जिसको तालिबान ने उड़ा दिया, या उधर पूरे बौद्धिक मतलब सिविलाइजेशन का बड़ा उद्धार होता है, यहाँ पे क्यों नहीं। अब ये सवाल है ना जिसका जवाब चाहिए, हमें पता है जवाब क्या है, लेकिन उसको खोज कर विश्लेषण करके निकाल नहीं, बट इन सवालों का जवाब नहीं देंगे।
तो आखिर सारांश मेरी यही है कि हमें सबको सामाजिक न्याय के लिए और आर्थिक न्याय के लिए मिलजुल कर, जब तक लोगों की संघर्ष को लामबंद करके आगे नहीं ले जाएंगे, और कोई विकल्प नहीं है। इस खतरे को हमें समझना है, और इस खतरे के चलते हुए ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, और इस व्यवस्था के चलते हुए ना एक बेहतर भारत कभी नहीं बन सकता। और एक बेहतर भारत के लिए हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और बाबा साहब ने जो बोला, पढ़ो, संगठित हो और लड़ो, स्टडी ऑर्गेनाइज एंड फाइट स्ट्रगल, ये है मोटो जिसके आधार पर हमें चलनी होगी। और आपके बहुत शुक्रिया, आपके रिपब्लिक परिवार को हमें ये मौका दिया और हमको इस तरीके से सुना, और बहुत धन्यवाद।